दोस्तों, भालू सभी मांसाहारी जीवों में से काफी अलग होते हैं, जिसे देखकर लगता नहीं कि ये किसी जीव का शिकार भी कर सकते हैं। वैसे भालू देखने में बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब इसे गुस्सा आता है तो ये अपने सामने वाले की हुलिया बिगाड़ने में जरा भी देर नहीं करते। ये सुनकर आपको शायद यकीन न हो दोस्तों, इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भालू और जंगली जानवरों के सबसे खतरनाक लड़ाइयां लेकर आए हैं, जिसे देखकर आपको हमारी बातों पर यकीन हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ एक टाइगर एक भालू को शिकार बनाने की पूरी कोशिश में है, लेकिन यहाँ भालू भी टाइगर से कुछ कम नहीं है। टाइगर की कोशिशें फेल हो जाती है, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि दो दो बियर सामने खड़े हैं। अब ऐसे में टाइगर का भालुओं का शिकार करना तो काफी मुश्किल है, लेकिन टाइगर भी एक खतरनाक शिकारी होने का सबूत देते हुए जी जान से भालू को शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। टाइगर और भालू के बीच एक खतरनाक मुकाबला कई घंटों तक चलती है, लेकिन टाइगर को इसमें सफलता नहीं मिलती। आखिर कई घंटों के लंबी लड़ाई के बाद फाइनली भालू ये जंग जीत जाता है और बेचारा टाइगर भालू से हार जाते हैं। यहाँ कुत्तों का एक बड़ा सा गैंग इस बेबी बियर के पीछे पड़ जाते हैं, जिससे बचने के लिए बेबी बियर भागने लगती है। कुत्तों का गैंग भी तेजी से बेबी बियर की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब बेबी बियर को इन कुत्तों से बचने का कोई रास्ता नहीं मिला तो वो भी जोर जोर से अपनी मॉम को आवाज देने लगी, जिसे सुनकर मॉम बियर तुरंत अपने बच्चे को बचाने पहुंच जाती है। पहले तो मॉम बियर पत्थर गिराकर कुत्तों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब कुत्ते मॉम बियर से भिड़ जाते हैं। मॉम बियर भी अपने गुस्से में कुत्तों की गैंग से लड़ने लग जाती है और मॉम बियर एक एक करके सभी कुत्तों को पहाड़ी से नीचे फेंक देती है और इस तरह से मॉम बियर बच्चे को बचा लेती है। दोस्तों, ये क्लिप आपको हैरानी में डाल देंगे। दरअसल यहाँ ये बेबी बियर बिना सोचे समझे अपने ऊपर भौंक रहे कुत्तों की गैंग पर हमला कर देता है, लेकिन इस गैंग में 8-10 कुत्ते शामिल है, जिनसे मुकाबला करना इस बेबी बियर की बस की बात नहीं है। देखते ही देखते कुत्तों का गैंग बेबी बियर को बुरी तरह से नोच डालता है। हालांकि यहां इस गाड़ी वाले महाशय ने बेबी बियर को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुत्तों ने बेबी बियर को नहीं छोड़ा। आखिरकार कुत्तों की गैंग ने बुरी तरह बेबी बियर को मार डाला, लेकिन इस बेबी बियर के हिम्मत ने एक संदेश जरूर दे गया। कहते हैं कुछ कर दिखाने के लिए ताकत से ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। यहाँ ये माउंटेन लायन इस बेबी बियर को हल्के में ले रहा था, लेकिन शायद इसे मालूम नहीं है कि बेबी बियर भी इस पर भारी पड़ सकता है। बेबी बियर भी अपने अग्रेसिव मूड को कंट्रोल करके वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन फिर भी माउंटेन लायन उससे उलझ जाता है। बेबी बियर भी अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हुए माउंटेन लायन की हवा टाइट कर देते हैं। अब दोस्तों, ऐसे में इस तेंदुए का भालू को देखकर साइलेंट होना तो बनता है, लेकिन इस भालू के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे, जो उछल उछल के तेंदुए को लड़ाई के लिए उकसा रहा है। भालू के बार बार उकसाने के बाद भी बेचारा तेंदुआ वहां से चुपचाप जाने लगता है। जहां तेंदुए को देखकर जानवरों की हालत पतली हो जाती है, वहीं इस भालू ने तो तेंदुए की घोर बेइज्जती कर दी। इस भालू के लिए क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट में जरूर लिखें। यहाँ ग्रिजली बियर और माउंटेन लायन का आमना सामना हो जाता है। ग्रिजली बियर को सामने देखकर इस लायन की हालत खराब हो जाती है और भालू खतरनाक तरीके से माउंटेन लायन को डराने लगते हैं। भालू की खतरनाक हरकत देखकर लायन सीधा झाड़ पर चढ़ जाते हैं। झाड़ भी इतनी पतली है जिसमें ये माउंटेन लायन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। नीचे लाने के लिए झाड़ को हिला भी रहा है। अगर ये लायन गलती से भी गिर गया तो भालू अच्छे से इस लायन की बैंड बजा देगा। इस क्लिप में भालू कहीं जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही सामने तेंदुए को देखा
तो वो सीधा खड़ा हो गया ताकि तेंदुआ उसे देखकर डर जाए। भालू की हरकत से पता चलता है मानो कह रहा हो यहाँ के बॉस हम हैं। क्यों है ना अमेजिंग दोस्तों, भालू खतरनाक जरूर है लेकिन इतना भी खतरनाक नहीं जो वो जंगल के किंग लायन को हरा सके। यह एक भालू अपने एटीट्यूड में आकर लायन से पंगा ले लेता है। लायन भी अच्छे से इस भालू की खटिया खड़ी कर देते हैं। भालू और जंगल की राजा लायन की ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है। अंत में भालू लायन से हार कर वहाँ से दुम दबा कर भाग खड़े होते हैं। इस क्लिप में तो एक माउंटेन लायन अपने से विशालकाय ग्रिजली बियर से पंगा ले लिया है और खतरनाक तरीके से लड़ने लगता है। इसलिए कहते हैं जंगल की दुनिया बड़ा ही विचित्र होते हैं। या कब क्या हो जाए, कौन सा जानवर कब किस पर भारी पड़ जाए, ये कहना काफी मुश्किल है। फिलहाल तो माउंटेन लायन दुम दबाकर भाग जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब दो भालू एक दूसरे से लड़ते हैं तो इनकी लड़ाई कई घंटों तक खत्म नहीं होता और ये घंटों तक एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, क्योंकि भालू एक ऐसा जानवर है जिसे जल्दी से गुस्सा नहीं आता और अगर आ गया तो ये जल्दी शांत भी नहीं होते। क्यों है ना इंटरेस्टिंग। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो के प्रति आपके मन में कोई सवाल या फिर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखें। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा है तो आप अपने प्यारे हाथों से एक लाइक जरूर से कर दीजिए। दोस्तों, अगर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।